22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पर क्या आपको पता है कि बिहार में भी एक अयोध्या बसा है, जहां श्री राम जानकी मंदिर है। अयोध्या की तरह ही यहां हनुमान गढ़ी भी है। इस गांव में रोज रामचरितमानस का पाठ होता है। राम जानकी मंदिर और हनुमान गढ़ी मंदिर में जब तक पूजा नहीं होता है, यहां बजने वाली घंटी की आवाज जब तक लोग नहीं सुनते हैं, तब तक लोग अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। इस गांव में 7 पीढ़ी गुजर जाने के बाद एक बड़ी आबादी वाली जाति के कुल देवता एक ही जगह स्थापित हैं। इस गांव का नाम अयोध्या। गांव के लोगों का श्री राम के प्रति अटूट आस्था उनकी धर्म परायणता की वजह से पड़ा है। राम के गांव अयोध्या टोला में सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन कभी किसी का किसी से कोई बड़ा विवाद नहीं होता। कभी कुछ छोटा मोटा होता भी है तो गांव के लोग आपस में बैठकर इससे निपट लेते हैं। थाना पुलिस और कोर्ट कचहरी की नौबत नहीं आती है। गांव का नाम अयोध्या टोला कैसे पड़ा, इस पर लोगों का कहना है कि 1880 में गंगा नदी के कटाव के बाद विस्थापित हुए लोगों ने इस गांव को बसाया और इसका नाम अयोध्या रखा। और यहां पर अंग्रेज का शासन था उस समय से, और अंग्रेज लोग यहां पर गंगा किनार के नज़दीक यहां नील का खेती भी करते थे, और उन्हीं वही सब लोग, उनका था दबदबा अंग्रेजों का, जिससे इसका नाम अड्ढा पड़ा। और यहाँ पर जब साधु संत उस समय में भी आते थे और यहाँ आकर करके कल्पवास करते थे, यहाँ रहते थे, गांव का वातावरण अच्छा देखे, यहाँ पर धार्मिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, वो यहाँ पर बसे हुए हैं। इसका नाम एक सरजू किनार में अयोध्या है, यहाँ का नाम अड्ढा नहीं अयोध्या होना चाहिए। और उस दिन से आज तक यहाँ पर गंगा बगल में है, कभी बढ़ जाते हैं आगे चले जाते हैं, कभी हमारे किनार में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा दाह संस्कार होता है। कभी इस गांव के लोगों की आजीविका का साधन खेती हुआ करता था, आज सैकड़ों की संख्या में लोग सरकारी नौकरी में हैं। गांव से रेलवे में बड़े अधिकारी, जज, बैंक कर्मी, शिक्षक और सैनिक समेत कई नौकरियों में शामिल हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस गांव में भी राम उत्सव मनाने की बड़ी तैयारी हो रही है। बेगूसराय से TV9 के लिए बबलू राय की रिपोर्ट।